खबर बुरहानपुर जिले से है, जहां डायरिया का प्रकोप बढ़ने से जिले में अभी तक 3 से 4 मौतें हो चुकी हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्या मित्तल को एक आवेदन पत्र सौंपकर ध्यान आकर्षण किया। दरअसल बुरहानपुर शहर इन दिनों डायरिया के प्रकोप से जूझ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी के नेतृत्व में कांग्रेस वासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को आवेदन सौंपा। बुरहानपुर शहर में डायरिया के कारण आम जनता और खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस प्रकार से अकाल मृत्यु की ओर जा रहे हैं और अस्पतालों में भरमार लगी। पूरा शहर गंदगी के मारे परेशान, गंदा पानी पीने को परेशान, शहर के नालों की स्थिति बद से बदतर, शहर के चैम्बरों की स्थिति बद से बदतर, और बुरहानपुर का महापौर, बुरहानपुर का सांसद, बुरहानपुर के भाजपा के जनप्रतिनिधि, उनको इस बात की फिक्र है कि उनका चुनाव प्रचार कैसा आ रहा है। उनको जरा सी मानवता उनमें नहीं है कि वो ये देखे कि बुरहानपुर के महापौर को ये समझना चाहिए कि 3 दिन से बच्चे, सैकड़ों बच्चे अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं और 5 से 7 बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है। शहर में गंदे पानी की वजह से डायरिया फैल रहा है और कई बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और ना ही हॉस्पिटल में सुविधा दी जा रही है उनको, ना ही उनका ठीक से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बस उनको दवाइयां देकर घर भेज दे रहे हैं। इसकी वजह से 3-4 बच्चे शांत हो गए हैं। बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है कि हमारे शहर में डायरिया से ऐसी मौतें हो रही है। इसके लिए हम सभी कांग्रेसियों ने कल हॉस्पिटल भी गए थे और आज कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया।